रात में दो बजे बिकरू में अगर गोलियां चलती हैं पुलिस वालों के परिवार मरता है उनके परिवार से मिलने गया था तो अपराध का साथ देना भी अपराध ही है आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सब की कमी है आप उसको छिपा क्यों रहे आपने कहा जनता के टैक्स के पैसे से स्कूल बने हैं फ्री नहीं।, 24 फ्री नहीं है चौबीस घंटे बिजली वो फ्री नहीं है दो सौ यूनिट तक फ्री देते तो का झंडा ले जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की हजारों लोगों को इजाजत योगी जी तो एक ईमानदार आदमी है मतलब यूथ ही क्यों और आगे, आगे आपके महिलाएं कम दिखती है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है कहीं ना कहीं तालिबानी सोच हमारे देश के अंदर भी पनप रही है अच्छा जब वो एक्शन में आते हैं तो आप लोग उनसे सबूत मांगते हो जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो किस चीज का सबूत मांगा नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़वल इंडिया और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो उत्तर प्रदेश की ओर धीरे धीरे अपने कदम जमा रहे हैं पर कहीं उनसे बात की जाएगी कभी वो राजनीति ठाकुरों की होती है तो कभी बिक्रू कांड की तो आज उनसे सीधी बात करते हैं संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार जी संजय जी आपसे पूछा जाए कि आप एक ठाकुर हैं कभी आप ठाकुरों की बात करते हैं कभी आप पंडितों की बात करते हैं बिक्रू कांड की बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं राजनीति किस तरफ जा रही है देखिए आम आदमी पार्टी हमेशा इंसानियत के पक्ष में खड़ी है जी जहां कुछ गलत होगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे और मेरा ये आ, मानना है कि जातिवाद की राजनीति और धर्म की राजनीति से इस देश को पचहत्तर वर्षों में कुछ नहीं मिला जी सिवाय अशिक्षा के बेरोजगारी के महामारी के सिवाय नफरत के और गुंडागर्दी के इस देश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ पचहत्तर वर्षों में किसान आज नौ महीने से सड़क पर बैठा है उसके मुद्दे का समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि लोग जाति धर्म में उलझे हुए हैं इस देश की राजनीति को इस देश के लोगों को सही मुद्दों पर आना पड़ेगा और वो काम हम लोग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसा मॉडल केजरीवाल का जो मॉडल है वो जमीन पर उतरे और वो मॉडल है फ्री बिजली का फ्री शिक्षा का फ्री स्वास्थ्य का फ्री इलाज का फ्री दवाओं का सड़कों का स्कूल का अस्पताल का रोजगार का कानून व्यवस्था का महिला सुरक्षा का फसल के दाम का इस पर हम राजनीति को लेकर आना चाहते हैं तो हमारी लड़ाई आदित्यनाथ जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जी जी। हम जब उनके खिलाफ कोई बात कहते हैं आप बताइए वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे जब मैं भ्रष्टाचार का मामला उजागर करता हूं तो मेरे ऊपर मुकदमे करा देते हैं आदित्यनाथ जी आपका मैंने आप आप 800 के मीटर, 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया उसके प्रमाण दिए 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया मिड डे मील का पैसा खा लिया गया नमक रोटी बच्चों को दी गई मिड डे मील में कस्तूरबा में बच्चियों का जो पैसा आया था नौ करोड़ रुपए सरकार डकार गई कोरोना के समय में जब विद्यालय बंद थे बच्चियों के नाम पे खाने का स्टेशनरी का किताब का पैसा निकाल लिया गया जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ एस्टीमेट बने बगैर टेंडर करा लिए गए और जल निगम विभाग से तीन गुना ज्यादा रेट पे टेंडर कराए गए ये सब भ्रष्टाचार में उजागर करता हूं तो आदित्यनाथ जी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए बजाय इसके कार्रवाई वो भ्रष्टाचारियों पर मुझ पर कार्रवाई करते हैं मुकदमे लिखते हैं मुझ पर तो वो सोचते हैं कि मैं मुकदमा लिख के संजय सिंह को दबा लूँगा आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों को रोक लूंगा मैं और मजबूती से लड़ता हूँ उनसे तो अभी तो उन्होंने 16 मुकदमे लिखे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप 1700 थानों में मुकदमा लिखवा दीजिए जी लेकिन जो सच है उसके लिए बोलता रहूंगा और आप देखिए मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने मेरे ऊपर जो मुकदमा फर्जी इन्होंने दर्ज किया था उसको खारिज कर दिया क्योंकि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लिखा दुनिया भर की धाराओं में मुकदमा लिखा मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया मेरे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया महिला कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया तमाम तरीके से परेशान किया गया लेकिन बावजूद इसके हम लोग जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उसको उठाते रहे और इसमें ये बात आपने ठीक कही कि जो जाति और धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है या उसके नाम पे जो भेद करने का मुद्दा है वो भी हमने समय समय पर उठाया हाथरस में अगर एक गरीब की बेटी को रात में दो बजे जबरन जला दिया जाता है तो निश्चित रूप से ये मुद्दा उठाएंगे हम। जी। अगर जाती आधार पर कहीं भेदभाव हो रहा है रात तो स... में दो बजे में अगर गोलियां चलती हैं के परिवार मरता है सौ प्रतिशत संवेदना है लेकिन आप कार्रवाई माफियाओं पे करिए गुंडो पर करिए आप खुशी दूबे को बंद करके रखे हुए हैं खुशी दुबे जो तीन दिन पहले शादी होके आई थी उसको आपने जेल में पिछले एक साल से सड़ा रखा है जी आपने अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे अमर दुबे की माँ उसको आपने जेल में रखा है आपने विकास दुबे के यहाँ काम करने वाली नौकरानी रेखा अग्नोत्री और उसके छोटे बच्चों को जेल में रखा है ये क्या है भाई एक हीरोबे करके उसमें अभियुक्त है उसकी मां को आपने जेल में रखा है पर बोलते हैं ना कि तो आप अपराध आप, आप, का अपराध का साथ देना भी अपराध ही है बिल्कुल हाँ, अगर आप उस अपराध के साथ में रहे हो तो कहीं कहीं ना जी मैं तो कह रहा हूं अपराधियों पर जमकर कार्रवाई कीजिए जी जी लेकिन उन महिलाओं का क्या दोष है जो तीन दिन पहले शादी होके आई जो किसी की मां होने का अगर किसी का बेटा अपराधी हो गया इसका मतलब उसकी मां अपराधी हो गई जी ये तो जांच तो का विषय है खैर नहीं ये कौन सा जांच का विषय है उनपे आपने ये धाराएं लगाई है कि उन लोगों ने एक गैंग वार किया जी अब वो पचास साल साठ साल सत्तर साल की महिलाएं वो गैंगवार कर रही हैं जी रासुका लगा रखी है उन लोगों के ऊपर आपने दो हजार बाईस का जो मॉडल अपना बताया कि हम शिक्षा पे इस सब पे आना चाहते हैं आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सबकी कमी है बिजली पानी शिक्षा सबकी कमी है जब मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने जाते हैं जी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है चुनौती देखे उनको बुलाया जाता है कि आइए हमारी शिक्षा व्यवस्था देखिए जी जब मनीष सिसोदिया जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं हम लोगों को रोक देते हैं नहीं नहीं साहब हम स्कूल नहीं देखने देंगे तो जिस सरकार के स्कूल अच्छे होंगे जी वो तो सबको आमंत्रित करेगी हम तो कहते हैं आए योगी जी हमारा स्कूल देखे जी वो कहते हैं नहीं हम संजय सिंह को स्कूल नहीं देखने देंगे मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं देखने देंगे भाई आपकी निजी संपत्ति है जनता के टैक्स के पैसे से उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स के पैसे से स्कूल बने हैं अस्पताल बने हैं सड़कें बनी हैं, जो कुछ भी वहां पे विकास के कार्य हुए हैं अगर आपने किए हैं तो आप दिखाइए शौक से दिखाइए ना जी आप उसको छिपा क्यों रहे आपने कहा जनता के टैक्स के पैसे से स्कूल बने हैं जनता के टैक्स के पैसे से बिजली फ्री दी जा रही है पानी भी फ्री दिया है वो भी तो जनता का पैसा है तो आम आदमी कहा क्लेम करती है तो कहाँ हम फ्री दे रहे हैं हाँ तो कहाँ पे फ्री हाँ बिल्कुल क्यों क्लेम करते हैं जनता के ट्रैक्स के पैसे लेकर भी सात रुपए यूनिट बिजली देते हैं बारह बारह घंटे बिजली काटते हैं और पैसा लेकर फ्री बिजली देते हैं चार सौ घंटे फ्री नहीं है दो सौ यूनिट तक फ्री है जनता का पैसा ना हाँ बिल्कुल जनता का पैसा है लेकिन जनता के पैसे का सदुपयोग है पर टैक्स टैक्स कितने कितने लोग बढ़ते लोग भरते भरते हैं हैं सदुपयोग है है सारे एक जो माचिस भी खरीदता वो भी टैक्स भरता है तो वही वो, वो मैं बोल रहा हूँ माचिस खरीदने वाला भी टैक्स भरता है साबुन खरीदने वाला भी टैक्स भरता है आप उसका ध्यान नहीं रखते आप स्कूल के अस्पताल के जो जरूरतमंद लोग हैं जो जिनको फ्री बिजली की जरूरत है उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते आप सिर्फ चंद पूंजीपतियों रोजगार थार्ण पे बात करते हैं रोजगार पे कीजिए बिजली पानी फ्री ये सब मिलने से क्या रोजगार मिल जाएगा आपको इस अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा जी जब आप कहते हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं जी यानी गरीब की जेब में हमेशा आप हर महीने आप तीन हजार चार हजार रुपए बचा रहे हैं जब आप कहते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं तो गरीब के जेब में पैसा बचा रहे हैं जब आप कहते हैं हम दवाएं और इलाज फ्री दे रहे हैं गरीब के जेब में पैसा बचाते हैं जब आप कह रहे हैं हम माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दे रहे हैं तो आप छह सौ रुपए हजार रुपए पंद्रह सौ रूपये महिलाओं का बचा रहे हैं उनकी बा... बचत हो रही है बला... अब आप सुनिए जी 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 जब उनके जेब में बचत हो रही है जब उनकी आमदनी की बचत हो रही है तो वो पैसा वो बाजार में लगाते हैं उस पैसे को खर्च करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था चलती है आपने क्या किया जनता का पैसा उठाया चंद पूंजीपतियों की झोली में डाला बाजार की व्यवस्था ठप लोगों के पास पैसे ही नहीं है वो खर्च कहां करेंगे तो हमने आम आदमी को मजबूत किया अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है हरीश जी जी सारी सेवाएं मुफ्त देने के बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है जी दिल्ली में साठ हजार करोड़ के बजट में हम ये सारी सुविधाएं दे पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में साढ़े पांच लाख करोड़ का बजट है हम ये सारी सुविधाएं वहां भी फ्री दे सकते हैं हम तीन सौ यूनिट बिजली फ्री देंगे तो हमने आकमित किया पच्चीस करोड़ रुपए सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तीन हजार रुपए तक तो उसका दस हजार बारह हजार करोड़ रुपए साल का खर्चा आएगा तो इसलिए अगर आपकी नीयत साफ है वास्तव में अगर आप कुछ करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूत करने के लिए तो निश्चित रूप से आप सरकार के पास इतना बजट है कि अच्छे स्कूल भी बना सकते हैं अच्छे अस्पताल भी बना सकते हैं इलाज भी मुफ्त दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बज, बिजली का सपना आप पूरा, कर सकते हैं। जो आपका 24 का आप पूरा कर सकते हैं फसल का दाम फसल का दाम फसलें आप लेते हैं किसानों से कोई मुफ्त में तो पैसा नहीं दे रहे लेकिन अपना गन्ना दे के किसान को बेटी की शादी के लिए दर दर की ठोकरे खाने पड़ती है अपना धान देके गेहूं देके किसान को अपने पैसे के लिए फसल के दाम के लिए ठोकरें खानी पड़ती है लाठी खाना पड़ता है जेल जाना पड़ता है खुले आसमान के नीचे ठंडी में मरना पड़ता है ये दुश्वारी है ये मुश्किलें हैं लोगों की जिसको एक ईमानदार सरकार जिसका समाधान कर सकती है हल कर सकती है जिसको सॉल्व कर सकती है संजय जी आपका दिल्ली में शिक्षा का मॉडल है आपको नहीं लगता कि अगर हम सब लोगों तक रोजगार की जगह अगर हम शिक्षा पहुंचा दें पहले तो रोजगार तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा तो कहाँ शिक्षा पहुंच रही है वही तो वही अब यूपी हम के अंदर आप देखिए कि मिड डे मील में नमक रोटी की खबर एक पत्रकार ने छाप दी तो उस पर मुकदमा हो जाता है मैंने आपको बताया तो कस्तूरबा में जो समाज के वंचित शोषित वर्ग की बच्चियां हैं उनको निशुल्क हॉस्टल में रख के शिक्षा देने की व्यवस्था है जी नौ करोड़ रुपए कोरोना की महामारी में खा जाते हैं बिल्डिंगे बनाते नहीं पट्टी पे बैट, बच्चे बैठ के पढ़ते हैं कहीं स्कूल में प्राइमरी स्कूल में सुअर घूम रहा है कहीं बकरी घूम रही है कहीं भेड़ घूम रही है तो आपने जो बुनियादी जरूरत है लोगों की उसको पूरा करने के लिए किया क्या शिक्षा अच्छी दीजिए रोजगार के साधन बनाइए और रोजगार दीजिए शिक्षा मित्र महिलाओं को सुहागिन महिलाओं को यूपी में अपना सर मुड़वाना पड़ा आज चौदह चौदह भर्तियां निकली जिसमें नौजवानों ने फॉर्म भरे उनसे पैसे ले लिए गए एग्जाम करा लिया गया और बाद में रिजल्ट निकलने के बाद आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला जब वो नियुक्ति मांगने जाते हैं उनको दौड़ा दौड़ा के लाठियों से पीटा जाता है मुकदमे लिखे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी मुकदमा मंत्री हो गए उनको दिन रात खाली लोगों पर एफ करनी जी है। उसी में उनका पूरा ध्यान लगता है उसी में उनकी पूरी ऊर्जा लगती है उसी में उनकी पूरी शक्ति लगती है जो अपने बेईमान भ्रष्ट अधिकारी हैं मंत्री हैं उन पर वो कार्रवाई करते नहीं जी तो लड़ाई इस बात की है कोई आदित्यनाथ जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई आप बताइए उत्तर प्रदेश में कमल का झंडा लेके जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की हजारों लोगों को इजाजत है तिरंगा झंडा लेके आपको यात्रा निकालने की इजाजत नहीं हाँ, ये इस पे वाला तो बीजेपी तिरंगा विरोधी पार्टी है बावन साल तक इन्होंने नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया ये इनका इतिहास है और तिरंगा झंडा आम आदमी पार्टी लेकर तिरंगे की आन बान शान के नीचे अगर हम ये संकल्प लेना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे किसानों को फसल का दाम देंगे फ्री बिजली देंगे फ्री पानी देंगे फ्री शिक्षा देंगे फ्री इलाज देंगे तो आप हमारे ऊपर मुकदमे कर रहे हैं ये संकल्प और आगे बढ़ेगा मजबूती से बढ़ेगा एक तारीख को नोएडा चौदह तारीख को अयोध्या और उसके बाद चार सौ तीन विधानसभा ये संकल्प हम दिलवाएंगे हमारी तिरंगा यात्रा को आदित्यनाथ जी के मुकदमे नहीं रोक सकते वो एक नहीं एक हजार मुकदमे लिखे अभी सोलह लिखे हैं सोलह सौ सो लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको बिजी कर देंगे वो एफ आई आर में करते रहे जी वो जितनी एफ आई आर करते हैं उतनी मेरी शक्ति और बढ़ती है जी उतना मैं और मजबूत होता हूँ जी मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत होती है और मुझे लगता है कि नहीं अगर तानाशाही और लोकतंत्र को कुचलने का आलम यह है तो हमको और मजबूती से काम करना चाहिए योगी जी तो एक ईमानदार आदमी है उनकी कोई चा, चाह तो कुछ है नहीं तो उनके अंदर क्या आपको दिखता है ऐसा कि मतलब जहां तानाशाही दिख रही है आपको यही बात मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं जी कि उनका कुछ तो है नहीं वो हुँ. तो बड़े ईमानदार आदमी है हुँ. तो आप बताइए रेल बेच रहे हैं सेल हुँ. बेच रहे हैं कोल बेच रहे हैं सड़क बेच रहे हैं बिजली बेच रहे हैं पानी बेच रहे हैं एल बेच रहे हैं बीपीसीएल बेच रहे हैं बैंक बेच रहे हैं पूरा देश बेच रहे हैं ये लोग कहने के लिए ईमानदार है कहने के लिए उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है अरे पूरा देश बेच रहे हो आप जी योगी जी अपने आप को ईमानदार सरकार देने का दावा करते हैं उनके नाक के नीचे जी उनके सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के भ्रष्टाचार का मैंने खुलासा किया उनके नाक के नीचे अयोध्या जहां वो बार बार जाते हैं दो करोड़ की जमीन प्रभु श्री राम के नाम पे साढ़े करोड़ रुपए में बेची गई दो करोड़ की जमीन पांच मिनट के अंदर पर वो दावा करते हैं कि गलत है, आप तो तो पर हिंदू परिषद ने कहा था कि हमारे करेंगे। नहीं, 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 उसके अभी नहीं किया विश्व हिंदू परिषद ने कहा था डिफेमेशन करेंगे ट्रस्ट ने कहा था डिफेमेशन करेंगे बीजेपी वालों ने कहा था कार्रवाई करेंगे संजय सिंह ने क्यों नहीं किया मैंने उल्टा मुकदमा किया मैंने एक सौ छप्पन तीन में पिटिशन डाल रखी है अयोध्या में जी। और इन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना ये राम के हैं ना आम के हैं ना काम के हैं ये किसी काम के नहीं है जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को धोखा दे दिया वो आम इंसान की क्या सोचेंगे अभी कानपुर वालों ने एक बैनर वहां पे लगा दिया चंदा चोरों से सावधान भाजपा पकड़ पहुंच के उसको फाड़ने लगे लोगों ने कहा भाई इसमें आपका नाम तो लिखा नहीं है बोले हमें मालूम है किसके लिए लिखा है तो ये हालत हो गई इनकी चंदा चोरी कर रहे हैं चंदा चोरी पानी चोरी ऑक्सीमीटर चोरी ऑक्सीजन चोरी लकड़ी चोरी शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई हरी जी, जी। और टीन सेट लगा के छिपा रहे थे लाशें ये हालत थी लखनऊ के अंदर तो आप तीन सेट लगा के लाशें छिपा सकते हैं आपके गुनाह और अपराध गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं ये वो पार्टी है हरीश जी सत्रह के चुनाव में इन लोगों ने गांव गांव में जाकर कहा शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और इन मनहूसों ने पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में हर गांव में शमशान बना दी इसलिए बीजेपी एक मनहूस पार्टी है इसको हटाना पड़ेगा तभी शमशान वाली राजनीति से हम लोग बाहर निकलेंगे जी हमें शमशान नहीं चाहिए हमें स्कूल चाहिए अस्पताल चाहिए रोजगार चाहिए फसल का दाम चाहिए जी हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए जी हमें उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास चाहिए शमशान नहीं चाहिए जी ये शमशान बनाने वाली विचारधारा है तो आपकी सरकार आती है तो कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम नोट किए हैं आपने जो इनके कहने पर काम करते हैं नहीं देखिए उनके कहने पे काम करें उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं भ्रष्टाचार नहीं करें आप पे हो रही है तो आपने हमारे देखिए हमारे ऊपर से मुझे रंच मात्र भी फर्क पड़ने वाला नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूं ना और मेरी बात अगर आदित्यनाथ जी आपके माध्यम से सुन रहे हैं तो वो भी ये जान ले कि मैं हर दिन एफ से मजबूत होता हूं तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर उनको एफ लिखवानी है तो अपने सत्रह थानों में लगातार एफआईआर लिखवाएं जी कम से कम वो संतुष्ट रहे वो प्रतिदिन दस एफआईआर अब से लेकर छह महीने तय कर लें कि दस एफआईआर रोज संजय सिंह पे लिखी जाएगी और मैं आराम से छह घंटे सोऊंगा आराम से सोएं दस एफआईआर रोज लिखे हमारे ऊपर लेकिन पानी में चोरी नहीं करने दूंगा ऑक्सीमीटर में चोरी नहीं करने दूंगा भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा ये बात बिल्कुल साफ है तो इसलिए आदित्यनाथ जी को अगर लगता है कि वो मेरे ऊपर मुकदमे लिखवा के मुझे रोक लेंगे तो मैं तो आपको बता रहा हूं मेरी शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है उनका एफ आई आर देख मुझे प्रसन्नता होती है कि चलिए मेरे ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं संजय जी चलिए मैं आपसे एक और पूछता हूँ एक प्रश्न और पूछता हूँ आपकी आइडियोलॉजी किससे मिलती है किस पार्टी से आपको आसपास मिलती है आपकी आइडियोलॉजी देखिए ऐसा है कि हमारी विचारधारा इस राष्ट्र को मजबूत करने की है हमारी विचारधारा ये है कि अगर आम इंसान मजबूत होगा तो ये राष्ट्र मजबूत होगा भारत माता की जय जब मैं नारा लगाता हूं या हमारी पार्टी के लोग लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि भारत माता तब खुश होगी जब भारत माता के 130 करोड़ बच्चे खुशहाल होंगे हमें उनके लिए काम करना है ये लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देके सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं और इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं हमारी विचारधारा इस देश को मजबूत करने की है और जो जनहित की सेवाएं हैं वो निःशुल्क या बहुत न्यूनतम डरों पर जनता को पहुंचाने की जी जहां पर कांग्रेस है वहां ठीक चल रहा है सर देखिए जहां पे कांग्रेस है वहां भी हम उनसे लड़ रहे हैं पंजाब में कांग्रेस है पंजाब में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ आम आदमी पार्टी वहां लड़ रही है तो ये आ, ऐसे हम कोई चिन्हित करके नहीं जहां पे गलत देख रहे हैं वहां हम आवाज़ उठा रहे हैं वहां बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी आपकी मुलाकात भी हुई कहा गया कि आप जन्मदिन की बधाई देने गए जन्मदिन तो सभी और भी और लोगों के भी हैं कांग्रेस में भी कई लोगों के जन्मदिन की बधाई देने अभी मैं कपिल सिब्बल जी के जन्मदिन पे बधाई देने गया जी जी जी, जी। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ चार सौ तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे गठबंधन कोई नहीं हो विधानसभाओं में हम तिरंगा यात्रा अपनी निकालेंगे हम अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं एक करोड़ मेंबरशिप हमारी डेढ़ महीने में लगभग वो पूरी हुई है जी तो हम अपना संगठन निर्माण कर रहे हैं हम जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता लाठियां खा रहे हैं जेल जा रहे हैं हम पर एफ हो रही है हम वहां पर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं हम 403 सीटों पे चुना पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी इससे पहले थी क्या कमियां रही थी उनकी उनकी जो कमियां थी उनको जनता ने वोट नहीं दे के में उनको सत्ता से हटा दिया अब बाईस से बाईस के चुनाव में आदित्यनाथ जी के कार्यों का मूल्यांकन होना है और उनके आप अगर समाजवादी पार्टी की बात होगी तो आप किस तरह से लेते हैं समाजवादी पार्टी को? आज की तारीख में सत्ता कौन किसके हाथ में बीजेपी के हाथ में उन्होंने वादा किया था ना कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे कानून व्यवस्था अच्छी देंगे ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार अब की बार बीजेपी सरकार ये नारा था ना बिल्कुल था तो अब पांच साल जब पूरे होने को है या चुनाव करीब आ रहे हैं इनके कार्यों का मूल्यांकन होगा जी अगर समाजवादी पार्टी होती आज सत्ता में तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते तो जो आज की तारीख में जिम्मेदारी जिसके ऊपर है जी, जिसके कंधों पर भार है किसान के लिए नौजवान के लिए माताओं बहनों के लिए आप सोचे उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया आदित्यनाथ जी के राज में एक पार्टीदार एसएसपी है वो फरार है और इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी थी उसकी हत्या में उसका उसका नाम आया तीन सौ दो का अपराधी है वो अब तक आपने सुना होगा डाकू फरार चोर फरार माफिया फरार यूपी में एसएसपी फरार हो जाता है दरोगा फरार सिपाही फरार तो ये ये आलम जिस प्रदेश का है जी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं छह साल दस साल आठ साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं और आदित्यनाथ जी की पूरी ऊर्जा इसमें लगी रहती है कि विपक्ष के लोगों पे कैसे मुकदमा करना है कैसे उनको दबाना है कैसे उनको कुचलना है कैसे उनके घर गिरवाने कैसे बुलडोजर चलवाना है

कानून व्यवस्था के मामले में उनकी तारीफ करते हैं बिल्कुल करते हैं तो जो सच है उसको बोलना पड़ेगा और योगी जी के हालत में योगी जी के राज में क्या हो गया तीन बार के पूर्व विधायक मिश्रा की हत्या कर दी गई जी व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी वीडियो बना के अपील करता है एक हफ्ते पहले योगी जी, जी हमें बचा लीजिए उसकी हत्या हो गई संजीत यादव का अपहरण होता है उसकी बहन से पुलिस वाले कहते हैं तीस लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दे दो तब तुम्हारे भाई को छुड़वा देंगे उसके भाई की हत्या हो गई और तीस लाख रुपया भी चला गया ये कभी सुना है आपने जयप्रकाश पालकी एस डी और सीओ के सामने बलिया में हत्या हो गई एक गरीब की बेटी को हाथरस में रात को दो बजे जिंदा जब वो जिंदा थी तो इलाज नहीं मिला जब मर गई तो जबरन उसको जला दिया गया अब आप बताइए इतने सब सारी सारे अपराध और सारी पीड़ा को देखने के बाद लोग चाहते हैं कि हम लोग बोले नहीं चुपचाप कायरों की तरह घर में बैठ जाए ये तो नहीं हो सकता है। जी गंगा नदी में हजारों लाशें सड़ती हुई कोरोना की महामारी में हम लोगों ने देखा है प्रयागराज में कुत्ते नोचते हुए लाशों को हमने देखा है चील कौओं को लाशें नोच रही लाशों को नोचते हुए हमने देखा है वो हम भूल नहीं सकते वो नाव है बलिया है गाजीपुर है प्रयागराज है कानपुर है हमने देखा वो दृश्य कि कोरोना की महामारी में किस तरीके से जानवरों की तरह इंसान के साथ व्यवहार किया गया जी उत्तराखंड आप लोगों की पार्टी उत्तराखंड में भी काम कर रही है काफ़ी अच्छा काम कर रही है जो कर्नल कोटियाल जी भी उसमें काफ़ी आपने नामी ग्रामी आदमी लिए हैं आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी एक सिंगल चेहरे के देखिए मैं बता रहा हूं आपको कर्नल कोटियाल साहब का सिर्फ उदय कोई आम आदमी पार्टी से हुआ है ऐसा नहीं जी कर्नल कोटियाल साहब का अपना एक इतिहास है जी सेना में रहते हुए उन्होंने इस राष्ट्र के लिए गोलियां खाई हैं सेना में रहते हुए उनको उनकी वीरता के लिए तमाम सम्मान दिए गए हैं सरकार के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है जी जब इतनी बड़ी आपदा आई उत्तराखंड में उस समय जो व्यक्ति सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर उत्तराखंड के लोगों की सेवा कर रहा था उसका नाम है कर्नल अजय कोटियाल जी तो इसलिए उनके चेहरे के रूप में सीएम चेहरे के रूप में पार्टी ने जब से उनकी घोषणा की है जी। तब से एक अपार जन समर्थन आम आदमी पार्टी को वहां पर मिल रहा है और आप देखिएगा कि बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड की राजनीति में कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में होगा जी उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अभी ये हमारे लिए कोई विषय नहीं है जी अभी हमारे लिए मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो साढ़े चार सालों से पीड़ा बर्दाश्त कर रही है उसको हम उससे निजात कैसे दिलाएंगे वहाँ का किसान वहाँ का नौजवान वहां जी माताएं बहनें जी वहाँ का व्यापारी जी वहाँ का आम आदमी वहाँ का नौजवान आज लाठियाँ खाता है मुकदमे झेलता है उसको नौकरी नहीं मिलती मुकदमा जरूर मिल जाता है तो ये पीड़ा है लोगों की संगठन की दृष्टि से देखें तो आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है यूपी में देखिए संगठन हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि जब अभी हम लोगों ने ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलाया लगभग डेढ़ महीने तक तो एक करोड़ मेंबरशिप बनाने का लक्ष्य हमने रखा जो लगभग हमने उसको पूरा किया है जी और आ, सभी विधानसभाओं में हमारे संगठन है सभी ब्लॉक पे हमारे संगठन है अब बूथ लेवल पे हमारे संगठन कई विधानसभाओं में लगभग पचास प्रतिशत पूरे हो चुके हैं और कई विधानसभाओं में अभी हमारा काम बूथ पे चल रहा है तो संगठन के कार्यक्रम के साथ साथ अभी जैसा मैंने कहा कि ये तीन सौ चार विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकालने की बात हो या फिर आने वाले दिनों में हम विधानसभा के प्रभारी घोषित करेंगे जिससे और संगठन का काम तेज़ी पकड़ेगा और अभी पाँच छः महीने का वक्त है तो मुझे लगता है कि हम एक मजबूत स्थिति में चुनाव तक सामने आएंगे आपकी रैली में ज़्यादातर देखा जाएगा कि यूथ दिखता है तो ऐसा मतलब यूथ ही क्यों और आगे, आगे आपके महिलाएं कम दिखती हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है ये तो नारा बहुत पुराना है तो आ, तो जवानी को यूटिलाइज कर रहे हो आज अगर यूथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है जी यूथ क्यों जुड़ रहा है वो देख रहा है की जिन लोगों के प्रति उन्होंने इतना अपार समर्थन दिखाया जी आज उन्होंने पेट्रोल का दाम एक सौ दस रुपये कर दिया डीजल का दाम सौ रुपए कर दिया दो सौ तीस रुपए दो सौ चालीस रुपये में सरसों का तेल मिल रहा है तो वो देख रहा है इन चीज़ों को वो देख रहा है कि हमें नौकरी के नाम पे लाठियां मिलती है वो देख रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं है उसने देखा कि कोरोना की महामारी में लोगों को बेड इलाज दवाएं नहीं मुहैया हो पाई जी उन उसने इस पीड़ा को देखा है और आम आदमी पार्टी को वो दिल्ली में काम करते हुए देख रहा है जहाँ पे हमारी सरकार केजरीवाल जी के मॉडल पे काम कर रही है फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य फ्री बिजली फ्री पानी माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा और जब हम फ्री फ्री की बात करते हैं तो हम आम इंसान को मजबूत करने की बात करते हैं हम उसी का पैसा उसके ऊपर खर्च करने की बात करते हैं उसका पैसा उसके ऊपर खर्च करने के साथ साथ बाजार की अर्थव्यवस्था को भी चलाने की बात करते हैं तो इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं और चंद लोगों को मजबूत करने से वो शोषण की व्यवस्था है जी आपकी की तिरंगा यात्रा थी जो मेरी जानकारी में आया है आपके कई लोगों के मोबाइल और ये पर्स वगैरह चोरी हो गए

जो उन्होंने तिरंगे के बाद कार्रवाई की ज्यादा देखने की उसको जरूरत है In. उसी आगरा में जेपी नड्डा साहब हजारों की रैली करते हैं कोई दिक्कत नहीं उसी आगरा में जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है कोई दिक्कत नहीं In. तो कमल का झंडा लेके निकलिए कोई दिक्कत नहीं तिरंगा झंडा देश का झंडा लेके निकलिए भारत की आनबान और शान को लेके निकलिए तो दिक्कत है ये फर्क समझने की जरूरत है जी और एफआईआर इसलिए हुई कि तिरंगा विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी मैं तो कह रहा हूं बावन साल तक इन्होंने नागपुर के मुख्यालय पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कभी वहां झंडा नहीं फहराया तिरंगा बावन साल तक और दो लड़कों ने फहरा दिया झंडा जाके तो उनपे ग्यारह साल तक मुकदमे चलाए इन लोगों ने ये इनकी असलियत है जी तो तिरंगा जो है वो देश का झंडा है हम सबका झंडा है भाजपाइयों का झंडा कमल है हमने देखा कि किस तरीके से तिरंगे का अपमान करके स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की के शव के ऊपर तिरंगे के ऊपर कमल का झंडा रखा है इन लोगों ने वो तो कल्याण सिंह जी ने कहा था उन्होंने उनकी इच्छा थी ये नहीं तो आप जब तिरंगा हट जाता उसके बाद आप कमल का झंडा रखते तिरंगे के ऊपर कमल का झंडा रखने का तो

आपसे मेरा अंतिम सवाल है बहुत होगी प्रदेश की बातें आज करते हैं हम सिर्फ देश की बात इसमें लास्ट तालिबानी अफगानिस्तान आपने आजकल ही रहे हो माहौल कहीं ना कहीं तालिबानी सोच हमारे देश के अंदर भी पनप रही है क्या क्या हुआ है उस बारे में देखिए तालिबान के खिलाफ मौन रहना तालिबान की दहशतगर्दी आतंकवाद के खिलाफ मौन रहना एक बहुत बड़ा अपराध है जी लाइनें है ना कि समर शेष है नहीं पाप का नहीं। भागी केवल ब्याद और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध तो उस पर तटस्थ होना यह अच्छी भूमिका नहीं है नहीं। भारत की सरकार गुपचुप जाकर तालिबानियों से बातचीत करती है कतर में 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिस बैठक की अध्यक्षता करती है आतंकवादियों की सूची से सत्ताईस अगस्त तक तालिबान का नाम गायब हो जाता है तो तालिबान के प्रति सॉफ्ट कार्नर दिखाना भारत सरकार का ये सिर्फ हिंदुस्तान के ही लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है मानवता के लिए खतरनाक है इंसानियत के लिए खतरनाक है इसलिए तालिबानी मानसिकता कहीं भी दिखे उसको कुचलना इस राष्ट्र इस देश इस विश्व के हित में है और उस पर मोदी सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही दयनीय बहुत ही कायरता की बहुत ही भुलमुल रवैये की भूमिका है अच्छा जब वो एक्शन में आते हैं तो आप लोग उनसे सबूत मांगते हो और जब वो किसका नाम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि ढुलमुल स्थिति है उनकी किस चीज का सबूत जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो किस चीज का सबूत मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा सर्जिकल एक दुष्प्रचार करते हैं जिस दुष्प्रचार में सारे लोग फंस जाते हैं कोई सबूत इनसे कभी नहीं मांगा गया नहीं। हमने अपने राष्ट्र की सेना का हमेशा गौरव बढ़ाने की बात की दिल्ली की सरकार वो सरकार है जो हिंदुस्तान की पहली सरकार है कि अगर कोई शहीद हो जाता है दिल्ली का जवान वो चाहे पुलिस वाला हो चाहे फायर वाला हो चाहे सेना में काम करने वाला दिल्ली का जवान हो एक करोड़ की सम्मान राशि देने का फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किया जी हमसे हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण वो लोग मांगते हैं जिन्होंने बावन साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करके सरकार बनाई जिन्होंने पठान कोर्ट में आईएसआई बुलाकर हमारे सैनिकों का सम्मान और भारत माता का सम्मान गिराने का, का काम किया जिन्होंने बगैर बुलाए जाकर नवाज शरीफ की सेवई खाने का, का काम किया उनके बर्थडे पे नाचने का का काम किया वो हमसे हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पूछते हैं जिन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया तो इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहने का अधिकार नहीं है इन्होंने ऐसे हजारों गुनाह किए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे इनके वंशजों का यही इतिहास है तो इसलिए

यती महाराज आपने नाम सुना होगा मुसलमानों को लेके उनके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि अंदर आना मना है बच्चे को पीट देते हैं सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती उनके प्रति आप किस तरह से लेते हैं इसको उन्होंने कल क्या आरोप लगाया भाजपाइयों के ऊपर सुना आपने तो जो नफरत की विचारधारा रखने वाले लोग होंगे वो किसी को नहीं बख्सेंगे अपने सगे भाई को नहीं बख्सेंगे तो ऐसा, क्यूं, ऐसा क्यूं, तो तो इसलिये, इसलिये, क्यों ऐसा क्यूँ आपने तिरंगा आपने तिरंगा यात्रा निकाली तो 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 आप पे दर्ज होगी अच्छा वो मैं आपको कह रहा रहा तो ऐसा क्यों झंडा लेके निकलिए आप पे कुछ नहीं होगा तिरंगा झंडा लेके निकलिए आप पे मुकदमे होंगे तो ये लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है वो कमल का झंडा लेके घूम रहे हैं तो जब उनकी जो सोच है उनकी विचारधारा जो है भाजपा उनको अपना मान के चलते हैं उनको लगता है कि ये काम जो कर रहे हैं हम हमारे जैसा काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी नफरत फैलाने का जो व्यापार भाजपा ने खोल रखा है दुकान जो खोल रखी है इसको इस देश के लोग अब बंद कराएंगे जी बहुत हो गया इससे कुछ भी वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो ये हमारी राजनीति का हिस्सा जी संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया आपको बहुत बहुत बधाई आपके आगे के कार्यक्रमों के लिए थैंक बहुत बहुत धन्यवाद ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी जो आज बड़े जोश में उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे फिर मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ धन्यवाद रात में दो बजे बिक्रू में अगर गोलियां चलती हैं पुलिस वालों के परिवार मरता है उनके परिवार से मिलने गया था। तो अपराध का साथ देना भी अपराध ही है आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में शिक्षा और कमी है आप उसको छिपा क्यों रहे आपने कहा जनता के टैक्स के पैसे से स्कूल बने हैं फ्री, फ्री नहीं है चौबीस घंटे बिजली वो फ्री नहीं है हाँ दो सौ यूनिट तक फ्री देते हैं झंडा ले जी जी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की हजारों लोगों को इजाजत योगी जी तो एक ईमानदार आदमी है मतलब यूथ ही क्यों और आगे आपके महिलाएं कम दिखती है जिसो और जवान ही चलती है, उस और जमाना चलता है कहीं ना कहीं तालिबानी सोच हमारे देश के अंदर भी पनप रही है अच्छा जब वो एक्शन में आते हैं तो आप लोग उनसे सबूत मांगते हो जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो किस चीज़ का सबूत मांगा?